खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के युवा नेता संजय पांडे एवं जिला पंचायत वार्ड नंबर 17 के प्रत्याशी के निवासी आहिरोली पांडे अपने आवास पर क्षेत्र में हो रहे अनियमितता से जनता के परेशानियों को देखते हुए मीडिया कर्मी के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ब्राह्मणों के हितेशी नेता माननीय मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ सम्मान है और समाजवाद पार्टी कभी भी ब्राह्मणों को सम्मान देते आ रही है। यही देखकर ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी में काफ़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। 2022 में पूर्व बहुमत से सरकार बनेगी। श्री पांडे ने कहा कि हमारे क्षेत्र बड़ा गांव में नाला जमा होने से किसानों के धान की फसल बर्बाद हो रही है। समय रहते नाली की सफाई अति आवश्यक है, जो किसान हित में है। रिपोर्ट बाय आजाद अहमद, समाचार इंडिया न्यूज बलिया। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मैं संजय पांडे समाजवादी पार्टी का युवा नेता हूँ और जो है जिला पंचायत सदस्य का वार्ड नंबर 17 से चुनाव भी लड़ा था, लोगों ने सम्मान भी दिया। नेताजी एक चीज़ है, आप युवा नेता हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं, क्षेत्र में तमाम तरह की समस्याएं हैं। आज लोग समस्या को लेकर के काफ़ी चिंतित है, इसको क्या कहेंगे? सरकार का ध्यान हम आकृष्ट कराना चाह रहे हैं। तमाम यहाँ हमारे यहाँ दो दो मंत्री भी हैं, लेकिन कोई विकास का कार्य बढ़िया नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए, देखिए अखिलेश जी या माननीय मुलायम सिंह जी जो हैं, ब्राह्मण को सदैव सम्मान दिए हैं, आज भी दे रहे हैं। उनकी माननीय मुलायम सिंह जी के बाद जो है जनेश्वर मिश्र छोटे लोहिया से जाने जाते हैं, उनका सदैव सम्मान हुआ है। अन्य ब्राह्मण वर्गों का भी बहुत सम्मान हुआ है। हम लोग लगे हैं ब्राह्मण सपा के ही साथ जाएगा और 2022 की सरकार हम लोग अपने बल पर बनाएंगे। किसी सरकार से गठबंधन, किसी ने दल से गठबंधन करके नहीं बनाएंगे। अखिलेश जी उस क्षमता में इस समय आ चुके हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि समाजवादी पार्टी कोसों दूर लड़ाई से बाहर है। समाजवादी पार्टी कोसों दूर लड़ाई से बाहर है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये उनकी भूल है। समाजवादी जो है आगे आगे चल रही है, इस बार हर हाल समाजवादी की ही सरकार बनेगी, दूसरे की नहीं बन पाएगी। युवा नेता हैं अखिलेश जी, सुलझे हुए हैं, सबको साथ, सबका विकास एक साथ लेकर चलते हैं। सभी वर्गों का, सभी वर्गों पे उनका ध्यान रहता है। ये नहीं कि ब्राह्मणों पे है, दलित पे भी है। कहाँ किसी का हित हुआ उनके कार्यकाल में, बताइए? होया है कोई हित उनके कार्यकाल में? कोई हित नहीं हुआ है। सबका साथ, सबका विकास किए हैं। बच्चों के लिए जो है लैपटॉप से लगाए, सब कुछ, साइकिल सब कुछ दिए, सारी योजनाएँ दिए हैं। आज समाजवादी पार्टी के आपसी मतभेद में अपने ही घर में जो है एक नहीं है, तो कैसे इसको ताकत मान सकते हैं? तो कहाँ समाजवादी बिखरी हुई है, बताइए? उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव जो अपनी अलग पार्टी बना करके आज अपना अलग पार्टी चला रहे हैं, क्यों नहीं, उनका परिवार बिखरा हुआ है? परिवार से नहीं, नेता से मतलब रखेंगे ना। मान लीजिए चाचा का मन नहीं मिल रहा है, तो चाचा जी भी कोई बहुत दूर थोड़े ना है, उनसे बहुत लंबी विरोध नहीं है, कहीं कहीं करते हैं लेकिन फिर तो साथ है। क्या आने वाले 2022 के चुनाव में प्रगतशील समाजवादी पार्टी शिवपाल सिंह साथ में रहेंगे आप लोगों के? हो सकता है साथ ही रहे, चल तो रहा है। आज छोटी छोटी पार्टियां जो अपना बैनर, एक चुनाव भी अपने क्षेत्र के लड़ चुके हैं जी, वार्ड नंबर कितने से? 17 से आप जिला पंचायत के सदस्य के रूप में आप प्रत्याशी रहे, चुनाव आप फाइट किए जी, हार जीत तो अपनी जगह पर है, लेकिन आप अपने क्षेत्र की कुछ ऐसी समस्या बताइए जो जनहित में हो। देखिए सर, हम लोग 3 साल से हमारा क्षेत्र झेल रहा है, बड़ा गांव जो है बरसात के पानी जाके इकट्ठा हो जा रहा है, जिससे PWD की सड़कें जो है बराबर क्षतिग्रस्त, वो बड़ा गाँव से खड़सरा मार्ग है, बराबर क्षतिग्रस्त हो जा रहा है। नाला का निर्माण के लिए पिछले साल SDM साहब भी आए थे, थोड़ा सा पहल किए, जनता को शांत कर दिए, फिर इस साल वही दशा है, उससे भी बदतर दशा है।
लेकिन कोई अधिकारी, कोई सरकार का मंत्री, सांसद यह नहीं पूछने आ रहा है। जो मानिए कि एक बड़ा गांव मनियर और बेरुआरबारी के बीच का एक विकास की धुरी है, आप भी निकलते हैं, हम लोग भी निकलते हैं, सारे लोग आते हैं, लेकिन वहाँ की दुर्दशा देखने पर जो है हम लोगों की तो भाई सर झुक जाता है। यदि नाले का निर्माण माननीय सांसद जी द्वारा हो जाए, क्योंकि बजट थोड़ा लंबा लगेगा, 10 वर्ष उनका कार्यकाल है, लेकिन एक बार भी बड़ा गांव में आके अपना प्रोग्राम नहीं लगाए कि भाई यहाँ की दुर्दशा क्यों हो रही है जनता की, हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो रही है। मान ली बाढ़ आता है तो नदी के किनारे के लोगों को लाभ मिलता है, हम लोगों के हजारों एकड़ यहाँ किसानों का जा रहा है, लेकिन कोई सहायता सरकार के तरफ से नहीं मिलती है। इसका सर्वे हो जाए सरकार के तरफ से, इसका निराकरण हो जाए, उसका नाला बन जाए और चला जाए, तो आगे जिगनी में जो है जोड़ दिया जाए उसको, तो नदी में चला जाएगा, यहाँ का आजीवन जो है दुर्दशा खत्म हो जाएगा। भाई हम लोग तो चूँकि सपा के नेता हैं तो कुछ हम लोगों को सुना ही नहीं जाएगा। इसकी शिकायत कहीं आप लोगों के द्वारा की गई है? तो सोच रहे हैं कि डीएम के यहाँ पत्र रख दिया जाए, डीएम साहब के यहाँ अभी सोच रहे हैं। बिल्कुल अब सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत किसान परेशान है, कहते हैं रोज आए दिन, मान लीजिए हम लोग चट्टी पर जाते हैं चूँकि नज़दीक हैं, तो दुर्दशा व्यथा देख करके बड़ा तकलीफ होती है।